आज जो मेरी कोशिश होगी ये होगी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको, कुछ नई चीज़ें मैं आपको करवा दूँ, थोड़ा सा रिवीजन टाइप की चीज़ें हो जाएं जो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर हो। ठीक है, अब आ जाओ, ये आ गया हमारा आइडियली, जिस आइडियली के अंदर हमें यहाँ पे काम करना है, और काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर मज़े लेने के लिए, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। चलो कुछ चीज़ों पहले हम करते हैं यहाँ पे, जो भाई मुझे एक बात बताओ, अभी मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और मैं प्रिंट के अंदर यहाँ पे डालता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर डालता हूँ, भाई प्रिंट होता है प्रिंट करने के लिए, आपको पता है। अब मैं प्रिंट के अंदर यहाँ पे डालता हूँ सी कॉलन स्लैश संतोष स्लैश, और संतोष के अंदर हमारे पास एक नया फोल्डर है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू फोल्डर, और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने लिखा है सी कॉलन स्लैश संतोष स्लैश न्यू फोल्डर, ये हमारा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए, मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पर प्रिंट लिखा और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, ये क्या संतोष के बाद एन गैप हो गई और ई डब्ल्यू फोल्डर नीचे आ गया, ये क्या, मैंने ये तो लिखा नहीं था, मैंने तो यहाँ पे ये लिखा था कि भाई आप इस लाइन को प्रिंट कर दो, सिंपल भाई, प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए होता है, गुरुजी ने ही बताई थी मुझे। अब यहाँ पे समस्या क्या आ रहा है कि जब तुम यहाँ पे ये लाइन लिख रहे हो ना, तो उसको बीच में ये स्लैश एन मिल गया, और जैसे ही वो स्लैश एन मिल गया तो उसने उस पूरे स्ट्रिंग को इसने ब्रेक कर दिया, तब ये तो गलत है भाई, क्यों ब्रेक कर दिया, हमने तो बोला नहीं था ब्रेक करने के लिए। लेकिन पाइथन इतना समझदार नहीं है, वो अपने डिसिप्लिन से चलता है भाई, और राकेश की तरह ये नहीं कि इस टाइम में सोया रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो ये जो प्रिंट है, इस प्रिंट के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ बोलता हूँ कंट्रोल सी और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंट्रोल भी, मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगा देना है आर, आर का मतलब होता है रॉ, रॉ का मतलब भाई मैं जो दे रहा हूँ उस लाइन को एज इट इज डिस्प्ले कर दो, आप उसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये होता है, एंटर करो, अब बिल्कुल परफेक्ट आ गया, समझ में आई बात। तो यहाँ पे जब कभी भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर आपके पास हो, आप उसको एज इट इज शो करवाना चाहते हो, ना कि पाइथन उसको स्लैश एन को लाइन ब्रेक मान ले, तो इस चीज़ों को करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे आर लगा देते हैं, तो हमारा काम हो जाता है, आर स्टैंड फॉर रॉ, समझ में आई बात। चलिए दूसरी चीज, सपोज करो मैं यहां पे बोलता हूं, एक्स इज इक्वल टू 9, अच्छी बात है भाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 9 है, और मैं यहां पे बोलता हूं एक्स प्लस 10, तो जो हमारा आउटपुट आएगा क्या आएगा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 19 आएगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूं कि इस 19 में कुछ और ऐड कर दूं मैं, तो भाई मैं तो लिख सकता हूं ना कि 19 प्लस और आपको जो ऐड करना है ऐड कर दो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये 19 खुद ब खुद आना चाहिए, दिस इज द लास्ट आउटपुट, तो ये जो मेरा लास्ट आउटपुट है उसको मैं इस कैलकुलेशन के अंदर यूज करना चाहता हूँ, ये जो मेरा लास्ट आउटपुट है इसको मैं इस कैलकुलेशन के अंदर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे यूज करूँ इस लास्ट आउटपुट को, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अंडरस्कोर, यदि मैं अंडरस्कोर लगा दूंगा इसका मतलब जो लास्ट इनपुट होगा, जो लास्ट आउटपुट होगा यहाँ पे, वो लास्ट आउटपुट के साथ ही हमारा एड ऑन हो जाएगा, और एड ऑन होने के बाद ये, अरे वाह मुझे मिल गया 39, समझ में आई बात, तो अच्छी चीज़ है ये भाई, ये भी अच्छी बात थी और ये भी अच्छी बात थी कि भाई लास्ट आउटपुट को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो मैं अंडरस्कोर लगा दूँ, और अंडरस्कोर लगाने के बाद मैं यहाँ पर प्लस करूंगा, तो वो जो लास्ट आउटपुट की वैल्यू आई थी 19, वो वैल्यू यहाँ पे उसने यूज कर लिया और रिजल्ट हमारे सामने आ गया, क्लियर। अब आइए इसके बाद यहां पे देखो भाई, हम लोग इस बात को जानते हैं कि भाई हमारे पास पाइथन में लिस्ट होता है, भाई लिस्ट के तो मास्टर आदमी हो आप लोग, भाई लिस्ट में हमें कुछ भी करना हो तो लिस्ट हमारे क्या होता है, यदि मैं यहां पे बात करूं हमारे लिस्ट की, तो जो हमारा लिस्ट होता है ये लिस्ट हमारे क्या होता है, ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम होता है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम होता है, सीक्वेंस ऑफ आइटम होता है भाई, इसके अंदर आप बहुत सारे आइटम डाल सकते हो, जो हमारा आइटम होता है यहाँ पे, आइटम कैन बी एनी टाइप, कुछ भी डाल सकते हो उसके अंदर,
आइटम कैन बी एनी टाइप। ये जो आइटम है आप कोई भी टाइप का डाल सकते हो, ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम होता है लिस्ट हमारा, और आइटम कैन बी एनी टाइप एंड एनी साइज। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना वैल्यू डालना है, जितना डालना है आप उतना डाल दो। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब क्या कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, वी कैन चेंज, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, वी कैन चेंज, आप उसमें चेंज कर सकते हो, आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो ये है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट यदि मुझे बनाना हो तो आप लिस्ट कैसे बनाओगे? भाई सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू डालना है तो भाई ठीक है वैल्यू आप डाल दो। मैं बोलता हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4, दिस इज द लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज। अब यदि मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एम करता हूँ, तो ये हमारा आउटपुट आ गया, वही हमारे पास आ गया 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये हमारा जो ये लिस्ट है वो इंटीजर लिस्ट है। मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई ये हमारा है 0 इंडेक्स पे स्टार्ट होगा। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो एरे हो। ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। ये कहाँ से होगा? तो ये होगा 0 1 2 3। मैं इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम ऑफ 0। यदि मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम ऑफ 0, देखो आउटपुट आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे बोलता हूँ, इसी को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम ऑफ, मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ टू कॉलन। टू कॉलन का मतलब क्या है? यानी कि दो के बाद। तो ये हो गया 0 1 2, और दो के बाद तो भाई साहब हमारे पास यही वाले भाई साहब हैं, यानी कि दो पोजीशन से उसने ये निकाल लिया हमारा, और इसने यहाँ पे क्या निकाल लिया, यहाँ पे दो पोजीशन से उसने हमारे यहाँ पे ये निकाल लिया 33 एंड 44। ये हमारे सामने आ गया, मतलब दो के बाद जो भी है। अब यदि मैं यहाँ पे बोल दूँ एम ऑफ और मैं यहाँ पे लगा दूँ कॉलन टू, यानी कि शुरू से लेके उस दो तक आ जाएगा। ये देखो 0 1, यानी कि शुरू से लेके यहाँ तक आ गया वो 0 1, दो से पहले जो भी हमारा है, दो एलिमेंट आ गया। अभी मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम ऑफ -1। -1 का मतलब, -1 मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब देखो, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4। तो मैं बोलता हूँ ये देखो 44 आ गया। इसी तरह से मान लो मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि भाई आप एक काम करो, फॉर लूप लगा दो। मैं बोलता हूँ फॉर आई इन, मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ एम, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे प्रिंट में क्या कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे आई। अब यदि मैं इसको रन करूँ, अरे वाह ये भी आउटपुट आ गया 1 1 2 2 3 3 4 4। तो मेरे कहने का मतलब उस वैल्यू को उठाने के लिए, चाहे मैं इंडेक्स से वैल्यू उठा लूँ, चाहे मैं इस तरीके से यहाँ पे स्लैशिंग लगा दूँ कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक लेना है। यदि मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम ऑफ, मुझे कहाँ से लेना है? एक से लेना है। कहाँ तक जाना है? 3 तक जाना है। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो हमारा इसने एक से स्टार्ट किया 0 1, एक से स्टार्ट किया और यहाँ तक आप आ गए ये। तो मतलब यहाँ पे एक से लेके 3 तक, तो वह जब इधर काउंटिंग होती है तो 3 ये है 1 2 3, लेकिन आपने बोला एक से लेके 3 तक, तो दो ही एलिमेंट तो आएंगे, तो ये हमारा 22 एंड 33। तो मेरे कहने का मतलब इस तरीके से हम यहाँ पे स्लैसिंग कर सकते हैं। तो ये जो अभी तुमने एरे बनाया, ये कौन सा एरे है हमारा? ये इंटीजर एरे है, सॉरी मैं एरे बोल रहा हूँ, ये हमारा लिस्ट है। अब इसी काम को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अभी मान लो मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ एम ऑफ 0 इज इक्वल टू 100। तो अब यदि मैं यहाँ पे एम को डिस्प्ले करूँ तो ये देखो जो हमारी 0 पोजीशन थी वहाँ पे आपने क्या डाल दिया, वहाँ पे आपने 100 लेके डाल दिया। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एन एम इज इक्वल टू, और मैं इसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डालता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये भी डाल सकता हूँ। और यदि मैं इसको रन करूँ, ये रहा। अब यदि मैं यहाँ पे एन एम करता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मिक्स डेटा टाइप भी डाल सकता हूँ। यदि मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 22, ये हमारा ये हो गया। मैं यहाँ बोलता हूँ 3.4, ये इंटीजर वैल्यू है, ये हमारा फ्लोट वैल्यूज़ है। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता हूँ। तो इस तरह से भी मैं यहाँ पे लिस्ट बना सकता हूँ। तो लिस्ट के साथ ये अच्छी बात है, आप यहाँ पे जो भी डालना चाहो वो यहाँ पे डाल सकते हो, और उसको लेके वो अपना काम यहाँ पे करेगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे दो लिस्ट हैं, एक तो भाई ये हमारा एम है और एक हमारा यहाँ पे एन एम है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों लिस्ट को लेके भी मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई हमारे पास एक लिस्ट एन एम है और एक हमारा एम है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम टू इज इक्वल टू,
या मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू, और x में मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ m कॉमा एन एम, अब यदि मैं बोलता हूँ m कॉमा एन एम, तो ये दोनों को मिला के हमारे पास एक नया लिस्ट आ जाएगा। अब यदि मैं x करूँ तो जरा गौर से देखो, x में ये हमारा पहला लिस्ट था जो यहाँ पे सामने आ गया, अब ये हमारा ये दूसरा लिस्ट है जो हमारे यहाँ पे सामने आ गया। बात समझ में आई? तो मतलब आप लिस्ट को इस तरह से कंबाइन भी कर सकते हो, आपने दोनों को मिला के एक लिस्ट बना दी, मतलब लिस्ट विद इन ए लिस्ट, यह आपने लिस्ट डाल दिया, ये हमारा लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर हम फिर लिस्ट यूज कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ नेस्टेड लिस्ट। भाई हम लिस्ट को ऐसे भी बना सकते हैं, टी इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ 1 1 2 2 3 3, और फिर मैं यहाँ पर बोलता हूँ 4 4 5 5 6 6। ये देखो लिस्ट के अंदर तुमने यहाँ पर लिस्ट बना दिया ना, तो इस तरीके से भी हम लिस्ट बना सकते हैं, वही काम तो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। ये देखो लिस्ट के अंदर भी मैं यहाँ पर लिस्ट बना सकता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो अच्छी बात यह है कि बस आपको इसी तरीके से काम करना है। हाँ ये है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा याद करने में आपको दिक्कत आ सकती है। अब देखो मेरे पास ये लिस्ट है, अब मैं इसमें अपेंड करना चाहता हूँ, मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम डॉट अपेंड, ओह मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ एम डॉट अपेंड, मुझे अपेंड करनी है। तो यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू अपेंड करनी है भाई, मुझे यहाँ पे वैल्यू अपेंड करनी है संतोष, मतलब इस लिस्ट में आप एक वैल्यू अपेंड कर रहे हो संतोष। ये देखो तो आपने यहाँ पे लास्ट में संतोष आपने ऐड कर दिया, और ये लास्ट में हमारे यहाँ पे ये संतोष दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ भाई, एक होता है हमारा अपेंड यदि वैल्यू ऐड करना है, और एक हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है कि आप किस पोजीशन में इंसर्ट करना चाहते हो, तो मैं फर्स्ट पोजीशन में इंसर्ट करना चाहता हूँ, और फर्स्ट पोजीशन में तुम क्या इंसर्ट करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ राकेश द ग्रेट, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ राकेश। ये देखो मैंने इंसर्ट कर दिया वन का मतलब पहले वाले पोजीशन में, और क्या इंसर्ट करा आपने, राकेश इंसर्ट कर दिया। अब यदि मैं रन करूं, अरे वाह यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, आपने राकेश को इंसर्ट कर दिया, तो ये जो वन में था वो हमारा कहाँ चला गया, ये टू में आ गया। ठीक है, तो वैल्यू डालने के लिए एक हम लोग यूज करते हैं लिस्ट में अपेंड यूज करते हैं, एक हम लोग लिस्ट में यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट यूज करते हैं। इंसर्ट का मतलब किसी इंडिविजुअल पोजिशन पे आप वैल्यू डाल सकते हो, और m.extend कई वैल्यू डालने के लिए। हाँ अब जैसे मान लो हम यहाँ पे, अब देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रिमूव करना है भाई, मैं चाहता हूँ यहाँ पे रिमूव कर देना, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ m डॉट, मैं बोलता हूँ यहाँ पे m डॉट रिमूव, रिमूव कर दो, किसको रिमूव कर दो, मैं यहाँ बोल देता हूँ 22 को रिमूव कर दो। अच्छी बात है, अब यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ m, अरे ये क्या मेरे इसमें देखो ये की काम कर रहा है, तुम्हारे इसमें नहीं कर रहा होगा। ये देखो मैं यहाँ बोलता हूँ m, ये देखो 22 को आपने रिमूव कर दिया, 22 को आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक, तो रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और अभी क्या है, ये देखो ये जो हमने 22 दिया ये वैल्यू था, उसने इस वैल्यू को रिमूव करा, मैं इंडेक्स के थ्रू भी रिमूव कर सकता हूँ। यदि तुम इंडेक्स के हिसाब से डेटा को हटाना चाहते हो तो हम यहाँ पे लगाते हैं एम डॉट पॉप, हम यहाँ पे लगाते हैं पॉप, और कौन सी वैल्यू हटानी है यार, ये जो वैल्यू है ना ये राकेश, ये यहाँ पे सही नहीं है, राकेश लिस्ट के लिए नहीं बना, राकेश बहुत बड़े काम के लिए बना है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, चला गया हट गया। अब यदि मैं यहाँ पे करूँ एम, हटा दिया जी आपने राकेश को यहाँ से, अब यदि मैं यहाँ पे करता हूँ एम डॉट पॉप, अब यदि मैं यहाँ पे सिंपली लगा दूँ एम डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, ये संतोष को भी हटा देगा भाई, कोई किसी का नहीं है बेटा, देख इसने संतोष को भी हटा दिया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर पॉप कर सकते हैं, पॉप के अंदर इंडेक्स डाल सकते हैं, हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं, हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को लेकर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं, मेरे पास यहाँ पर ये है, मैं यहाँ पर बोलता हूँ डेल करना है मुझे, हम यहाँ पर डेल भी लगा सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ डेल, और डेल किसको करना है भाई, तो एम को करना है, कहाँ से करना है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ कि वन से सारे वैल्यू को उठा के डिलीट कर दो। अब यदि मैं जाके एम को देखूं तो केवल 100 बच गया, वन के बाद जो कुछ भी था उसको आपने डिलीट कर दिया। तो अब आप देखो ये पाइथन की महानता है कि भाई मुझे हटाना है वैल्यूज को, तो पॉप दे दिया, डेल दे दिया, रिमूव दे दिया, सारी चीज़ें हैं, अब सारी चीज़ों का आप यूज करो, डालना है वैल्यू तो अपेंड दे दिया, इंसर्ट दे दिया। अब डालने के लिए वैल्यू यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है हमारे पास, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एम डॉट
और मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक्सटेंड, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम डॉट एक्सटेंड, ये देखो एम डॉट एक्सटेंड। और एक्सटेंड में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो, डाल दो, वैल्यू कम हो गया उसका। तो आप यदि मल्टीपल वैल्यू डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक्सटेंड लगा दो, और एक्सटेंड लगा के आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को डाल सकते हो। अब यदि मैं यहाँ पे एम को देखूँ तो ये हमारा आ गया। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे कई चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इनबिल्ट फंक्शन है, उन फंक्शंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ मुझे मिनिमम वैल्यू लेना है, तो मैं बोलता हूँ मीन ऑफ एम, ये राजी मिनिमम वैल्यू आ गया। मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो ये राजी मैक्स ऑफ एम। यदि मुझे मान लो सम निकालना है तो ये रहा सम ऑफ एम। तो ये हमारे यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है, और इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पे इस काम को कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास ये डेटा है, मैं चाहता हूँ इसको मैं सॉर्टिंग कर दूँ, मतलब इसको मैं अरेंज कर दूँ, तो मैं यहाँ बोलता हूँ एम डॉट सॉर्ट। यहाँ पे यदि समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एम डॉट और यहाँ पे कर दो इस, यहाँ पे टैप प्रेस कर दो, ये आ जाएगा। ये देखो हमारे पास, अब आपको करना क्या है, चलो मुझे यहाँ पे यार ये देखो ये सारे मेथड आ रहे हैं यहाँ पे, मुझे सॉर्टिंग करनी है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ एम डॉट सॉर्ट, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम को। अब ज़रा गौर से देखो डेटा जो है हमारा ये अरेंज हो गया, पहले जो हमारा डेटा था वो इस तरीके से डेटा था, और अब इस डेटा को हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो ये हमारा लिस्ट है, लिस्ट में हम लोग कुछ इसी तरह के कामों को करते हैं। लिस्ट का काम होता है कि आप इसमें कोई, तो मुझे मेरे समझ से जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको वैल्यू लिस्ट में डालना है तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, अपेंड वाले भाई साहब हैं, उसके बाद इंसर्ट वाले भाई साहब हैं, और उसके बाद हमारे पास ये एक्सटेंड वाले भाई साहब हैं, है ना। और यदि वैल्यू को रिमूव करनी है तब मेरे पास कौन कौन से लोग हैं, ये जो सज्जन लोग हैं यहाँ पे रिमूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए मेरे पास डेल साहब भी हैं, रिमूव करने के लिए हमारे पास ये रिमूव साहब भी हैं, रिमूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये पॉप भाई साहब भी हैं, ये भी अपना काम कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे मीन है, मैक्स है, तमाम जो चीज़ें हैं। अच्छा इतनी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया मैं, ठीक है, लेकिन अभी भी कई चीज़ें होंगी जो मैंने आपको नहीं बताया। तो यार देखो ये ठीक है भाई, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, यदि आप इनको करके भी देख लोगे तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन कुछ तो और भी, तो मैं इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल में जाओ, जाके लिखो वहाँ पे पाइथन लिस्ट एंड यू विल गेट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं यार क्या पाइथन में कुछ नहीं हो सकता क्या, यहाँ पे यदि कुछ मुझे हेल्प मिल जाए तो यार पाइथन के साथ बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये हेल्प फंक्शन होता है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप हेल्प लिख दो। अब जैसे ही आप यहाँ पे हेल्प लिख दोगे तो पाइथन के अंदर यहाँ पे आप हेल्प में आ जाओगे, ये पाइथन की हेल्प यूटिलिटी है, ठीक है, ये पाइथन की यहाँ पे हेल्प यूटिलिटी है, यहाँ पे आप आ जाते हो। और मुझे यहाँ पे देखना है कि जो हेल्प है वो किस किस टॉपिक के ऊपर अवेलेबल है, तो मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ टॉपिक। अब जैसे मैं यहाँ पे टॉपिक बोल दूंगा तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा दीज आर द टॉपिक जिसके ऊपर हेल्प अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है भाई। अब मुझे मान लीजिए लिस्ट के ऊपर जानकारी लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट, और लिस्ट की पूरी जनकुंडली निकल के सामने आ जाएगी। अरे भाई साहब मैं यहाँ पे बोलता हूँ लिस्ट, अब अरे मैं यहाँ पे लिस्ट बोलता हूँ, ये देखो चूंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा है इसलिए स्क्वायर कर दिया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो ये लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये कौन कौन से मेथड हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो लिस्ट के बारे में सारा चीज़ आ गया। ये देखो सॉर्ट है, ये रिवर्स है, ये रिमूव है, ये पॉप है, ये इंसर्ट है, काफ़ी सारे फंक्शंस आपने यूज़ करे, ये देखो काउंट करने के लिए है, एक्सटेंड है, कॉपी है, क्लियर है, ये सारे आप तो आराम से आप यहाँ पे देखो और देखते हैं के साथ अपना यहाँ पे काम कर लो, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो है। तो किसी भी टॉपिक का आप हेल्प इस तरीके से देख सकते हो। अब यार हो गया हेल्प वेल्प देखना, मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ भाई, मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्विट और मैं यहाँ पे बाहर निकल गया। तुम डायरेक्ट भी हेल्प देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि तुम हेल्प के अंदर जाके हेल्प को देखो, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेल्प और हेल्प के अंदर मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर देता हूँ, और पैरामीटर में मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ लिस्ट,
मैं यहाँ पे पैरामीटर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, मैं लिस्ट देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो फिर मुझे वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इस तरीके से भी हेल्प को देख सकता हूँ। तो पाइथन के साथ एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इसके साथ इनलाइन हेल्प अवेलेबल है। एक बार आपने पाइथन इंस्टॉल कर दिया तो इस हेल्प के लिए आपको किसी नेट वगैरह की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, इसकी जो हेल्प होगी वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी और टू द पॉइंट होगी, क्योंकि बाकी जो हेल्प है उसमें मैनुपुलेशन हो सकता है, लेकिन ये भाई साहब ये इनका अपना है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आइए, जिस तरह से हमने यहाँ पर लिस्ट करा है, लिस्ट के तरह ही हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लिस्ट के तरह ही हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे टपल होता है ना, हमारे पास यहाँ पे टपल होता है। टपल भाई साहब कुछ नहीं है, बड़े अच्छे हैं ये, बड़े अच्छे इंसान हैं, ये लिस्ट के तरह ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े से कठोर दिल के लोग हैं। कठोर दिल के मतलब क्या, इनके अंदर आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये नॉन म्यूटेबल होता है। नॉन म्यूटेबल का मतलब वी कांट चेंज, आप इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो, आप इसमें कुछ डाल नहीं सकते भाई, एक बार जो वैल्यू चला गया वो चला गया। दूसरी चीज़ ये क्या है कि जब भी हम टपल बनाते हैं हम इस तरीके से यूज करते हैं, ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, बाकी इसके अंदर वही सारे मेथड चलते हैं, वही सारे फंक्शंस चलते हैं जो आपने लिस्ट में अप्लाई किया है, बाकी कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ एम इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट डालता हूँ, मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट डालता हूँ, ये ब्रैकेट डालता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पर टपल है। अब यदि मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट एम, यदि मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम डॉट टाइप, टाइप ऑफ एम, अब यदि मैं यहाँ बोलता हूँ टाइप ऑफ एम, ये देखो ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे टपल है। तो टपल यही है, टपल में आप चेंज नहीं कर सकते। यदि मान लो मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ, याद रखना जब हम एक्सेस करते हैं ना टपल को तो हम इस तरह यही वाला ब्रैकेट लगाते हैं, हम बोलते हैं एम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ पे ये देता हूँ, तो आपको एरर मिल जाएगी कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो टपल के अंदर आप ये काम नहीं कर, ध्यान रखना है। बाकी टपल एट्रीब्यूट ओ, टपल के अंदर अपेंड, एक मिनट मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम डॉट अपेंड, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ अच्छा, इसके अंदर भाई साहब के अंदर अपेंड नहीं होता है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ मैक्स ऑफ एम, ये देखो मैक्स दिखा रहा है। अभी मैं बोलता हूँ मीन ऑफ एम, तो ये हमारा यहाँ पे टपल है, टपल लिस्ट के तरह ही होता है, बस अंतर यहाँ पे ये आप चेंजेस नहीं कर सकते। अब टपल के बाद हमारे पास यहाँ पे सेट है, ये जो हमारा सेट होता है, ये सेट और टपल में थोड़ा सा अंतर है। देखो जो हमारा टपल है बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है, आप टपल में चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में कर सकते हो, और ये जो सेट है ना ये हमारा होता है अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम, ये सीक्वेंस चेंज कर देता है, सीक्वेंस ऑफ आइटम, और ये आपके आइटम की सीक्वेंस को चेंज कर देता है। आप जिस सीक्वेंस में वैल्यू दोगे उस सीक्वेंस में एक्सेस नहीं होगा, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, ये ओनली यूनिक वैल्यूज को शो करता है, ये हमारा केवल यूनिक वैल्यूज को शो करता है, केवल ये यूनिक वैल्यूज को शो करता है, जो हमारे यूनिक वैल्यूज होते हैं उन्हीं को शो करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रखता। और याद रखिएगा ये भी नॉन म्यूटेबल होता है, इसमें भी आप चेंजेस नहीं कर सकते, इसके अंदर भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। और सेट हम जब बनाते हैं तो मैसे बनाते हैं, हम बोलते हैं एम इज इक्वल टू, ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, और जो भी यहाँ पे वैल्यू डालना है डाल दो, ये देखो ये हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। अब यदि मैं यहाँ बोलता हूँ एम, ये देखो अब आपने किस सीक्वेंस में वैल्यू दिया और यहाँ पे क्या मिल रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि वी डोंट हैव, भाई यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, क्या नहीं है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर भी तुम चेंजेस नहीं कर सकते सेट के अंदर, सेट की भी अच्छी बात ये है। हाँ, अब इसके अलावा तो एक होता है हमारा लिस्ट, एक होता है टपल, एक होता है सेट। सेट जो होता है ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम होती है, और यहां पे सर
एक मिनट एक मिनट, म्यूटेबल है, म्यूटेबल क्या सेट म्यूटेबल होता है सर, इम्यूटेबल मतलब चेंजेस कर सकते हैं या नहीं? सेट जो होता है, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? जो लिस्ट होता है ना वो हमारा म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब आप चेंज कर सकते हैं। जो हमारा सेट होता है, जो हमारा टपल होता है, ये नॉन म्यूटेबल होता है। नॉन म्यूटेबल का मतलब क्या? आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, केवल लिस्ट में चेंज होता है, ध्यान रखना। सेट और टपल में चेंजेस नहीं होता, स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस नहीं होता। हाँ, डिक्शनरी में भी चेंज होता है, डिक्शनरी के अंदर भी कर सकते हैं। अब देखो, अब हमारे पास एक होता है यहाँ पे डिक्शनरी। लेकिन अपडेट क्या अपडेट बोल रहे हो? हेलो हाँ, क्या बोल रहे हो? सर, अपडेट ऐड फंक्शन तो होते हैं सर, किस? सेट में अपडेट और ऐड फंक्शन होते हैं, मतलब हाँ, चेंजेस हो रहे हैं अपडेट, अपडेट और ऐड तो फंक्शन सर। वो हाँ, अपडेट और ऐड तो अपडेट और ऐड म्यूटेबल का से मतलब होता है, चेंजेस मतलब थोड़ी है तो भाई। हुआ फिर तो सर। अपडेट और ऐड का मतलब चेंज करना थोड़ी हुआ। चेंज करने का मतलब हुआ कि मान लो 1 के जगह मैं यहाँ पे 22 डाल दूँ, ये चेंज हुआ भाई। मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, वो चेंज करना थोड़ी हुआ, है ना। चेंजेस का मतलब हुआ कि मेरे पास 11 है, 11 की जगह मैं यहाँ पे सचिन लिख दूँ, ये चेंजेज हुआ, है ना। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी के अंदर क्या करते हैं? डिक्शनरी के अंदर ये जो हमारा होता है, ये की एंड वैल्यू के पेयर में कौन डेटा को सेव करता है, ये यहाँ पे एक की रखता है और की के साथ यहाँ पे वैल्यूज को रखता है। ये की एंड वैल्यू के कॉम्बिनेशन में काम करता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ m इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये हमारा की है। मान लो मैं बोलता हूँ नेम कॉलन, मैं यहाँ पे बोलता हूँ संतोष कॉमा, तो ये हमारा की है और ये हमारा वैल्यू है। मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ सैलरी, और सैलरी में यहाँ पे क्या देता हूँ, मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ 9000, ठीक। ये देखो, तो ये हमारा यहाँ पे की है और ये हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, ठीक। अरे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम डॉट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कीज़। ये हमें सारे कीज बता रहा है कि जो मेरा डिक्शनरी है उसमें कीज कौन कौन से हैं, नेम है और सैलरी। मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम डॉट, मैं यहाँ बोलता हूँ वैल्यूज़। अरे मैं यहाँ पे वैल्यूज़ बोलता हूँ, तो ये हमें वैल्यूज़ बता देगा कि यहाँ पे वैल्यूज़ कौन कौन से हैं। ये देखो, तो यहाँ पे आपके डिक्शनरी में ये वैल्यूज़ हैं। अरे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम ऑफ, मुझे किस की वैल्यू देखनी है, तो मुझे यहाँ पर नेम की वैल्यू देखनी है कि भाई हमारा नेम का जो वैल्यू है वो क्या है। तो अरे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखो नेम की वैल्यू हमारे पास संतोष आ गई। इसी तरह से मैं यहाँ पे फॉर लूप भी लगा सकता, अरे मैं सिंपली एम कर दूँ तब भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ठीक है। मैं इसी तरीके से यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ फॉर आई इन, और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ फॉर आई इन, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ आई को, तो यह देखो हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, ये हमारा की प्रिंट कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो की उठाता है। अब मुझे इस की की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ फॉर आई इन, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ एम, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट क्या, तो मैं यहाँ बोलता हूँ एम ऑफ आई। आई में क्या आ रहा है, हमारा की आ रहा है ना, तो एम ऑफ आई का मतलब क्या, एम ऑफ नेम और एम ऑफ सैलरी। तो वो हमारे यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है भाई, वैल्यू दिखा रहा है, संतोष दिखा रहा है, और यहाँ पे हमारा ये 9000 दिखा रहा है। तो ये हमारा डिक्शनरी होता है। अब इस डिक्शनरी के अंदर मान लो ये जो नेम है संतोष, मुझे इसे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, और संतोष के जगह आज से ये काम संभालेगा राकेश, ठीक। तो यहाँ पे ये डाल दे, ये ले लो, ले लिया। अब यदि मैं एम करूँ तो संतोष के जगह राकेश, ये देखो। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक। अब देखो, ये जो हमारा सही है सर, डिक्शनरीज है, सही हम लिस्ट को लेके भी डिक्शनरी बना सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक, हम यहाँ पे एक लिस्ट बना देते हैं, ये हमारा की है, की में क्या है हमारे पास ए है, मान लो हमारा एक की है ए है, बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा यहाँ पे की है, ठीक। नेहा अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट पे क्लिक कर देना, फिर से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ये हमारा की है, और की के बाद मैंने यहाँ पे क्या डाला है, की के बाद मैंने यहाँ पे क्या डाला है, की के बाद मैंने यहाँ पे क्या डाला, मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ v इज इक्वल टू, और इस की के ऊपर मेरा ये वैल्यू है। ये देखो, यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ, बी में मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, सी में मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, डी में मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ।
तो ये हमारा कीज़ है और कीज़ के बाद ये हमारे यहाँ पर वैल्यू है। ठीक, अब ये दोनों यहाँ पे मैंने की स्टोर कर दिया, यहाँ पे मैंने वैल्यूज स्टोर कर दिया, और इन दोनों को लेके मुझे डिक्शनरी बनाना है। तो मैं बोलता हूँ DICT इज इक्वल टू डिक्शनरी इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन होता है जिप, जिप फाइल होती है ना, कंबाइन करता है दो चीज़ों को। तो मैं बोलता हूँ जिप, और मैं यहाँ बोलता हूँ की और भी को कंबाइन कर दो भाई। अच्छा जी, तो कंबाइन करके गुरु रखोगे कहाँ। क्या करना था कि लिस्ट से डिक्शनरी क्रिएट करनी थी, तो ये हमारा लिस्ट है, लिस्ट में हमने यहाँ पे ये की डाल दिया और दूसरा लिस्ट बना लिया जिसमें वैल्यू डाल दिया। इन दोनों को मैं जीप कर देता हूँ, जीप हमारा याद है ना, जीप फोल्डर होती हैं, जीप फाइल्स होती हैं जो कंबाइन करती हैं, मैंने यहाँ पर जीप कर दिया, जीप के कॉमा वी। और मुझे एक काम और करना होगा, इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं बोलता हूँ डिक्शनरी ऑफ के कॉमा वी, और ये बन गया जी। ये बोला जी वी अवेलेबल नहीं है, हाँ जी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, मैं यहाँ बोल देता हूँ कैपिटल वी मेरा था वहाँ पे। अब मैं बोलता हूँ डिक्स को यदि मैं डिस्प्ले कर दूँ, यदि मैं यहाँ पे डिक्स को डिस्प्ले कर दूँ और एंटर कर दूँ, ये देखो देखो ये जो हमारा ए है ये इस ए को असाइन हो गया, ये जो हमारा बी है ये इस बी को असाइन हो गया, ये जो सी है इस सी को असाइन हो गया, ये जो डी है हमारा ये इस डी को असाइन हो गया। तो हमने यहाँ पे जो डिक्शनरी बनाया है वो डिक्शनरी किन चीज़ों को यूज़ करके बनाया है, तो मैंने यहाँ पे ये जो हमारी लिस्ट है इन लिस्ट का यूज़ करके मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बनाया है, और जिसको लेके हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, यहाँ पे हमारा लिस्ट होता है, यहाँ पे हमारा सेट होता है, यहाँ पे हमारा टपल होता है, हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरीज होती हैं, इन चीज़ों को लेके हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब आइए इसके बाद मैं काम करता हूँ एक बार फिर से, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं, तो मैं काम करता हूँ एक बार फ्रेश आइडियली ओपन कर लेता हूँ, मैं एक बार फ्रेश आइडियली ओपन कर लेता हूँ और उस आइडियली में फिर काम स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मैंने लिख दिया था, तो मैं अब बोलता हूँ आइडियली। चलिए, तो हमने बात करी कि भाई प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ों को डिस्प्ले करना, आप कैसे डिस्प्ले करोगे। हमने बात करी लिस्ट कैसे यूज करेंगे, सेट कैसे करेंगे, टपल कैसे करेंगे, डिक्शनरी कैसे करेंगे। अब आइए यहाँ पे कुछ चीज़ों को और समझो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बड़ी छोटी सी बात हम करेंगे, अभी हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स मतलब क्या, जहाँ पे आप वैल्यू डालते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 10 भाई, ठीक है, ए इसका मतलब एक वेरिएबल है और जो उसकी वैल्यूज है वो 10 है, अच्छी बात है। अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बी अगेन एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल्स के अंदर आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, आपने यहाँ पे ए लेके डाल दिया, अच्छी बात है। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ बी, तो बी की वैल्यू भी मुझे वही मिल जाएगी जो ए की थी, 10 है, इसका मतलब ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, अच्छी बात है। तुम्हें लगता होगा ना कि भाई ये जो हमारा वैल्यू वेरिएबल है ए और ये है हमारा बी, हमें लगता होगा कि भाई ये ए की जो मेमोरी लोकेशन होगी, वेरिएबल्स का मतलब यही होता है ना। ये देखो, जब हम वेरिएबल्स बोलते हैं तो वेरिएबल का मतलब तो यही होता है ना कि वेरिएबल का मतलब तो यही होता है ना, जो हम यहां पे बात करते हैं कि भाई ये देखो ये हमारा वेरिएबल्स का जगह है और इसी का नाम है ए इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहां पे जो इसका नाम है, इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम ए है और इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो क्या है, यहाँ पे 10 है। सीधी सी बात है, बचपन से हमने पढ़ रखा है कि जो वेरिएबल्स होगा उसके अंदर वैल्यूज़ होंगी, जो वेरिएबल होगा मेमोरी में एक जगह होती है, तो सीधी सी बात है इसका कोई ना कोई एड्रेस भी तो होता होगा भाई। सी में जो हमारे वेरिएबल्स, कहीं भी हम वेरिएबल्स डालते हैं तो उसका कोई ना कोई एड्रेस भी तो होता है। मान लो इसका एड्रेस हमारा ये है, ये हमारा इसका एड्रेस मान लो। अब तुम बोलोगे सर मान लो के जगह हम एड्रेस देखना चाहें तो भाई पाइथन के अंदर मैं ये देखना चाहूँ कि इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, अच्छी बात है, देख लो ना यहाँ पे कर दो आईडी ऑफ है, ये राजी एड्रेस, ये राजी ए का एड्रेस, ये यहाँ पे ए का मेमोरी एड्रेस हमारे पास है, ये ए की मेमोरी एड्रेस आपने यहाँ पे डाल दिया, ये रहा, ये ए का मेमोरी एड्रेस आपने यहाँ पे डाल दिया। तो जो आपने यहाँ पे डाला, जो आपने यहाँ पे डाला 2384, अच्छा ए का एड्रेस तो हमारा ये है और आपने कर दिया बी इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब बी भी एक मेमोरी में डब्बा होगा, उस डब्बा की वैल्यू क्या होगी, ए वाली वैल्यू होगी, उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा।
इसका मतलब बी एक अलग डब्बा है और ए एक अलग डब्बा है, मतलब बी की मेमोरी और लोकेशन अलग है, ए की अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, पाइथन के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ आईडी ऑफ बी, जरा गौर से देखो, ये क्या बी की मेमोरी रेफरेंस वही है जो ए की मेमोरी रेफरेंस थी, बी की मेमोरी रेफरेंस वही है जो ए की मेमोरी रेफरेंस थी, ऐसा कैसे? जी, पाइथन के साथ ये खासियत है। पाइथन के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो बहुत इफ़िशियंट तरीके से होता है। इफ़िशियंट तरीके से का मतलब ये है, आप जरा गौर से देखो, ए की वैल्यू 10 है, आपने बोला बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब बी की वैल्यू भी 10 हो गई। इसका मतलब ये हुआ है, चूंकि वो फिर 10 के लिए अलग से मेमोरी नहीं बनाएगा, भाई 10 ऑलरेडी है, यहीं पे वो बोल देगा कि भाई ये काम कर, ये बी वाले का भी है, बस हो गया। मतलब ए का भी यही हो गया, बी का भी यही हो गया, खत्म कहानी। जब तुम बी को कॉल करोगे तब भी यहीं से वैल्यू आएगी, और जब तुम ए को कॉल करोगे तब भी वैल्यू यहीं से आएगी। आप जरा गौर से देखो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ आईडी ऑफ 10, ये देखो, मतलब मैंने वैल्यू दे दिया तो उसकी भी आईडी वो दिखा रहा है, और बिल्कुल सेम आईडी दिखा रहा है, बिल्कुल सेम आईडी दिखा रहा है। मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सी इज इक्वल टू 10, अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे बोल दिया मैं एक सेपरेट वेरिएबल ले रहा हूँ सी, जिसका ए और बी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मैं बोलता हूँ सी इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या सी एक अलग डब्बा बनेगा या यही डब्बा होगा? अब यदि मैं यहाँ बोलता हूँ आईडी ऑफ सी, जरा गौर से देखो, अलग बनेगा, बिल्कुल वही डब्बा होगा सर। देखो, इसका मतलब यह है कि पाइथन के अंदर यदि कोई वैल्यू मेमोरी में स्टोर है और वही वैल्यू तुम किसी दूसरे वेरिएबल्स को दे रहे हो, तो उसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी वो डिफरेंट नहीं होगी, बल्कि उसी लोकेशन को वो मैप कर देगा। इसका मतलब जो हमारा सी है वो भी यहीं मिलेगा भाई साहब, इसका मतलब सी जो है वो भी यहीं मिलेगा। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, पाइथन के अंदर ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अब यदि मैं यहाँ पे कर दूँ ए इज इक्वल टू 999, अब मैं ए की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, अब इसकी ए को यदि मैंने 999 कर दिया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ये जो हमारा ए है, इट विल क्रिएट ए न्यू डब्बा, ये एक नया डब्बा बनाएगा, ये देखो ये एक नया डब्बा बनाएगा, और ये ए जो है ये वाले भाई साहब यहाँ से हटेंगे, और यहाँ से हटने के बाद वो भाई साहब अपना उस जगह पर आ जाएंगे, यानी कि ये जो ए है हमारा, अब ये यहाँ आ जाएगा, और इस ए की वैल्यू जो हमारी क्या आ जाएगी, 999 आ जाएगी, और इसका मेमोरी रेफरेंस अलग होगा। आईडी ऑफ ए यदि मैं करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये अलग वैल्यू है यहाँ पे, समझ में आई बात? ये देखो ये हमारा अलग वैल्यूज, ये बिल्कुल इस वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, ये देखो ये अलग वैल्यूज। तो ये यहाँ से ये जो ए है ये भाई साहब यहाँ से हट जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, पाइथन इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है, पाइथन जो है बहुत इफ़िशियंट तरीके से मैनेज करता है वो बार बार, इसीलिए तो पाइथन का ये खासियत है कि भाई मेमोरी को लेके ये बड़ा बेहतर तरीके से काम करता है। आप जरा गौर से देखो, मतलब यदि सेम है, अब यदि मैं ये 999 किसी को भी दूंगा ना, 999 यदि मैं किसी को भी दूंगा, तो अब आप ये समझ लो कि उसको यहीं से वो मैप कर देगा। अब यदि मान लो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ बी इज इक्वल टू ए, अब यदि मैं यहाँ पर करता हूँ आई डी ऑफ बी, अब फिर देखो सेम मेमोरी एड्रेस आ गई, इसका मतलब यहां से बी भी गैप हो गया। अब यदि मान लो मैं यहां पे करता हूं सी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू, मैं यहां बोल देता हूं बी, और मैं यहां पे आईडी ऑफ सी लेता हूं, फिर से ये वाला आ गया, मतलब ये सी भी यहां से हट गया। अरे वाह, इसका मतलब ये 10 जो है अब ये तो अनयूज्ड हो गया भाई, अब इसका तो कोई यूज ही नहीं है। जो हमारा ए बी भाई साहब थे और सी थे वो तो यहां आ गए। याद रखना, जब वैसी वेरिएबल्स जो मेमोरी में कहीं से भी रेफरेंस नहीं लिया जा रहा हो, कोई भी अब उसको पूछने वाला नहीं हो, तो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल अब इसको हैंडल करेगा गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर देखेगा कि इस बेचारे का कोई माए बाप नहीं है, यहाँ पे कोई भी रेफरेंस अवेलेबल नहीं है, तो वो गार्बेज कलेक्टर इसको यहाँ से मेमोरी से क्लीन कर देगा। तो पाइथन इस तरीके से मेमोरी को मैनेज करता है, और पाइथन के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है बहुत इफ़िशियंट तरीके से होता है। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे किसी भी वेरिएबल्स के साथ इस तरीके से हम यहाँ पे आईडी को ले देख सकते हैं, मेमोरी उसकी इस तरह से एलोकेट होती है। समझ में आई बात? तो ये छोटी सी चीज़ थी लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि वेरिएबल्स को लेकर आप यहाँ पर काम कैसे करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, पहले आप इतना कर लें। कल हम लोग नहीं बैठेंगे, अब हम लोग बैठेंगे परसों। ठीक है, कल आपकी छुट्टी रहेगी, मैं कल थोड़ा सा बिजी हूँ। ठीक है,
शाम के टाइम में मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, तो कल आप इस टाइम में हम नहीं मिल पाएंगे, तो हम लोग मिलेंगे परसों। और परसों और भी कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो 2-3 दिन हम लोग बेसिक को कंप्लीट कर लेंगे, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको हम रिवाइज वाइज करके ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो मैं ये अभी आपको ये जो चीज़ें हैं